नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं आपके बीच मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में अखिल भारतीय किसान महासभा के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुए किसानों पर हमले तथा मारे गए किसानों के विरोध में किसान सभा ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन तथा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। किसान महासभा ने मध्य प्रदेश में हुए किसानों के ऊपर हमले की निंदा की और राष्ट्रपति से मांग की कि किसानों पर हुए हमलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। किसान महासभा की अर्चना उपाध्याय ने कहा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रदर्शन के दौरान गोलियों से भूना गया बीजेपी के किसान विरोधी होने का प्रमाण देता है। आज भाजपा शासित राज्यों में ही किसानों का प्रदर्शन क्यों हो रहा है? निश्चित तौर पर बीजेपी ने किसानों की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमारे किसान आत्महत्या करते रहेंगे, क्योंकि पूरे देश में ये समस्या है। क्या मांगे हैं आपके? हम लोग को मांगे हैं 10,000 पेंशन दिया जाए, लाभकारी मूल्य दिए जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाए और जो है किसानों को जगह जगह ही कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो ताकि वो परेशान न हो। उनका जो उपज है उसको रखने की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो सरकारी एजेंसियां हैं ये जा करके दरवाजे पे उनकी उपज को ले, क्योंकि उपज बर्बाद हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश में पिछले साल आलू है बहुत ज़्यादा हुआ था, 85 लाख मीट्रिक टन हुआ था। उसको देखते हुए पूरे मध्य भारत में ये जो है आलू का दाम बढ़ गया। अब इस बार फिर 125 मीट्रिक टन आलू की ये है। अब रखने का व्यवस्था कुछ नहीं, कोल्ड स्टोरेज की जो है क्षमता है वो 95 लाख है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई कहाँ जाएंगे? हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाएं। उत्तर प्रदेश के मऊ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुरादाबाद सड़क निर्माण में क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम की धांधली का मामला सामने आया है। इस्लाम नगर करुला नगर निगम के वार्ड नंबर 66 में आता है, जिसके पार्षद हसन सलमानी हैं, जिनके द्वारा गुलफाम मस्जिद के पास सड़क का निर्माण किया जा रहा है जो अधूरी बनाकर छोड़ दी गई है। इंडिया लाइव न्यूज़ टीम को वहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि इसका निर्माण 8 महीने पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक सड़क को पूरा नहीं किया गया। 8 महीने तक सड़क का निर्माण पूरा न करना नगर निगम और पार्षद के घोटाले और भ्रष्टाचार को साफ दर्शाता है। आसपास के रहने वालों ने कहा कि पार्षद से सड़क को पूरा बनाने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन निर्माण पूरा करने का समय मांगकर गुमराह करते करते इतना समय गुजर गया। नगर निगम के अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी इसकी सुध न ली। 66 डेस्क है, यहाँ का जो पार्षद है उसका नाम हसन सलमानी है। हाथी सड़क पड़ी है, कब से पड़ी हुई है ये सड़क जो खराब है? तकरीबन 8 महीने करीब हो चुके हैं इसे, और यहाँ पर आने जाने की बहुत ही परेशानी है। न यहाँ पर टेम्पो हो सकता है, न ऑटो हो सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी की तबीयत भी खराब हो जाए तो एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आती है, वहीं खड़ी हो जाती है बाहर। इसकी आपने शिकायत की? इसकी शिकायत पार्षद से तो कई बार कर चुके हैं, उसके अलावा नगर निगम में भी दिया है। इसका ना नगर निगम कोई ऑप्शन ले रहा है ना पार्षद जो है। तो पार्षद ने क्या कहा? जब भी पार्षद के पास जाते हैं पार्षद महीने भर का टाइम दे देता है, 15 दिन का दे देता है, लेकिन कोई जो है इसके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। और आने जाने की बहुत बुरी समस्याएँ हैं कि बारिश पड़ने से यहाँ पर सब में कीचड़ हो जाती है। आने जाने वालों को रमज़ान चल रहा है, नवासियों को इतनी परेशानी होती है बहुत ही ज़्यादा। दो मस्जिद है यहाँ पे, एक मेहरून मस्जिद है और एक गुलफाम मस्जिद है। यहाँ पर नवासी जो आने जाने वाले बहुत ही परेशानी से आते जाते हैं, और यहाँ पर गाड़ी गिरती रहती है, लेडीज गिरती रहती है यहाँ पर, जो बाइकों पर आती है। जो है 2 मीटर रास्ता है बस से, उसके अलावा कोई रास्ता सही नहीं है यहाँ पर। आप जो है देखिए, आप दोनों तरफ से रास्ता छोटा पड़ा है, और यहाँ पर गंदगी इतनी रहती है, सफाई की व्यवस्था जो है बिल्कुल ख़राब है। ना यहाँ पर कोई कर्मचारी है, ना कोई आता। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से अनिल कुमार सागर की रिपोर्ट।
मामला कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के उसरी गांव का है, जहां हरनाम के पुत्र प्रदीप की शादी 13 मई 2017 को कन्नौज जिले के ठठिया में युवती से हुई थी। विदाई के बाद जब दुल्हन घर पहुंची, तो सभी परिवार जनों ने पूरी रीति रिवाज को निभाते हुए अपनी बहू का जोरदार स्वागत किया। घर के सब लोगों ने मिलकर सारी रस्में अदा की। वहीं प्रदीप जिस पल का इंतज़ार कर रहा था वो समय भी आया, लेकिन पत्नी की हकीकत सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल विदाई के बाद सुहाग रात में पता चला कि दुल्हन किन्नर है। अब क्या था, घर वालों को ये बात पता चली तो होश उड़ गए। दूल्हे के पिता ने बेटे की बात मानते हुए पास के अस्पताल में इसकी जांच कराई तो दुल्हन के किन्नर होने का सच सबके सामने आ गया। अब क्या था, लोक लाज के डर से प्रदीप के पिता ने किन्नर बहू को उसके मायके पहुंचाया। मायके वालों ने बेटी के किन्नर होने की जानकारी को नकारते हुए अपनी छोटी बेटी की शादी प्रदीप से करने की बात कही, मगर ससुराल जनों से धोखा खाए प्रदीप ने थाने पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। शादी क्या किन्नर लड़की थी, सुहागरात में हमको पता चला। अच्छा, क्या लड़की के परिवारी जनों ने आपको बताया नहीं था? नहीं बताया, सुहागरात में हमको पता चला। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से विवेक कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सचिव व जिला अकाली दल के अध्यक्ष प्रोफेसर बिरसा सिंह वलटोहा ने एक धरने के दौरान जहां कांग्रेस पार्टी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, वहीं जिला प्रशासन व पुलिस को भी धमकियां देने में गुरेज नहीं किया। प्रोफेसर बिरसा सिंह वलटोहा द्वारा धरने के दौरान संबोधन करते हुए कहा गया कि कांग्रेस पार्टी अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए कि पार्टी है या किसी के पीठ पीछे खड़ी नहीं होगी। उन्होंने जिला प्रशासन व पुलिस को धमकियां देते हुए कहा कि राज्य में अकाली दल की सरकार आने पर एक एक को देख लिया जाएगा। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसकी सभी तरफ से निंदा हो रही है। वायरल हुई वीडियो को निंदा करते हुए तरन तारण के विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री ने कहा कि अकाली दल के प्रवक्ता रहे प्रोफेसर बिरसा सिंह बलटोहा को ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग शोभा नहीं देता। पंजाब के तरन तारण से सुखजिंदर सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान के अलवर में मौसमी बीमारियों के मद्देनजर सोमवार को अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम राकेश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भीषण गर्मी के इन दिनों में पानी और बिजली की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर अतिरिक्त कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का भंडारण रखने को कहा। इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के अलवर से रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। यह हत्याकांड यूपी के हमीरपुर जनपद के जरिया थाना क्षेत्र के गुटवारा गांव का है, जहां के निवासी किशोरी लाल की 15 वर्षीय पुत्री शिल्पी, जो सरिला के राजकीय कॉलेज की हाई स्कूल की छात्रा थी, परिजनों के मुताबिक वह बीते दिन दोपहर के बाद शौच के लिए गांव के जंगल में गई हुई थी। ज़्यादा समय होने के कारण परिजनों ने जब शिल्पी की खोजबीन की तब पता चला कि उसकी लाश जंगलों में पड़ी है। उसकी कुल्हाड़ी से गला काट कर कई टुकड़ों में निर्मम हत्या की गई, जिसको देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनका बुरा हाल हो गया।
शिल्पी के परिजनों का कहना है कि गांव में उनकी किसी से कोई बुराई नहीं है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। उन्होंने हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी मौके से बरामद कर ली है और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये थाना जरिया गुटपारा ग्राम का मामला है, इसमें एक 17 साल की उम्र की लड़की है, अपने घर से माँ बाप को बिना बताए सोच के लिए निकली थी लगभग दोपहर के 2 बजे। तो उसके बाद इनकी लाश जो है डेड बॉडी 7:30 बजे घर से लगभग 200 मीटर 300 मीटर दूरी पे खेत में पड़ी मिली है, और उसमें जो शार्प एज्ड वेपन्स के साथ वार करने का निशान है, लगभग वहीं जो डेड बॉडी से लगभग 50-60 मीटर दूरी पे कुल्हाड़ी भी बरामद हुआ जिसमें हल्का सा खून का निशान है, उसको भी पुलिस ने कब्जे में लिया और बॉडी को भी कब्जे में लिया। जहाँ तक लग रहा है कि ये क्योंकि लड़की इससे पहले 12 बजे भी सोच के लिए बता के गई है, उसके साथ मम्मी भी साथ में गई, 2 बजे बिना बता के गई, इसका मतलब कोई किसी से मिलने गई हो, पुलिस का अनुमान है, और उसके बाद जो भी रहा होगा तो वहाँ पे उसकी हत्या की गई है। पुलिस केस को रजिस्टर कर लिए हैं, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी कल्प्रिट्स को पकड़ लेंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से शिव शक्ति सैनी की रिपोर्ट। तरन तारण के कस्बा गोविंदवाल साहिब में एक ही रात में 4 दुकानों पर हुई चोरी से नाराज हुए दुकानदारों ने कपूरथला चौक पर धरना लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दुकानदारों का कहना था कि पुलिस को लिखित शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकानदार ने बताया कि पुलिस की लापरवाही के कारण क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। चोरों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि वह एक साथ ही 3-4 दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं, जबकि इस चौराहे के पास सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। दुकानदारों के समर्थन में धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह बिट्ट ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस को चाहिए कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। इस संबंध में थाना गोविंदवाल साहिब के प्रभारी सुखविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने दुकानदारों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है, आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसके लिए पुलिस चौराहे में लगी सीसीटीवी कैमरे की भी सहायता लेगी। नाका उत्थे पूरा नहीं सी प्रॉपर, वो क्योंकि उदे विच उत्थे मुलाजम दी घाट आ, वो अगे तो अहीं कर रहे हैं उन्हां च मुलाजम पूरे करके रात जिहड़ी चोरी है उहदे संबंधी अहीं मुकदमा दर्ज करता, दोषियां नूं छेती ट्रेस कर लांगे। किन्नी दुकानां चोरी लगभग 3 दुकानां चोरी हुई, चोरी बेसिकली वो जिहड़े कैमरे आ वो साडे रोड ते करदे आ कवर, वो किसे बाजार च नहीं लगे, वो भी चैक अहीं कर रहे हां, विचों इक दा कैमरा बंद है बाकी प्रॉपर चल रहे आ, वो अहीं चैक कर रहे हां। उन्हां इक दुकान दी 15 लाख दी चोरी की लगभग की मामला 15 लाख दी, वो तो श्रोमणी कमेटी दा। पंजाब के तरन तारण से सुखजिंदर सिंह की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।